Hey guys, welcome back to my channel Innovative Cooking. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट अनियन एंड गार्लिक शाही पनीर बनाने की एक बिल्कुल आसान और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल अच्छे से गरम कर लिया है और तेल में अब मैं डालूँगी ये हरे मसाले। मैंने थोड़ा सा ये जीरा भी लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का है, एक सूखी लाल मिर्च है, छोटी इलायची है और साथ में 3 से 4 लौंग है। अब मैं इसमें डालूंगी ये सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने ली है 1 हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने लिया है धनिया के डंठल और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को भी अभी मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। 8 से 10 यहाँ पर मैं काजू ऐड कर रही हूँ और काजू को मैंने पानी में भिगो कर रखा था 10 मिनट के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है। इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। पूरे 10 मिनट हो गए हैं तो मैं इसके लिए हटा के चेक कर लेती हूँ। ये टमाटर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे हम हल्का सा ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बनाने के पहले इसे ठंडा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो मिक्सर है वो ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसे पहले अच्छे से ठंडा करें, उसके बाद ही इसकी प्यूरी बनाएं। पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, इसमें डाल रही हूँ जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। सिर्फ 1 मिनट में ही आप देख सकते हैं ये मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी प्यूरी टोमेटो की जो हमने बना के रखी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसमें मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, 1 चम्मच घर की फ्रेश ये मलाई, आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, थोड़े से फ्रेश मैं यहाँ पर धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। 300 ग्राम्स पनीर, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके कुक कर लेंगे। पूरे 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसके लिए हटा लेती हूँ एंड यस, हमारी ये टेस्टी शाही पनीर भी बनकर रेडी हो गई है एंड इसे हमने बिल्कुल विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक बनाया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप भी इस शाही पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।